हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को शुभ ठाकुर की तरफ से प्यारी सी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। और आज है 26 अक्टूबर और आज बहुत स्पेशल दिन है हमारे लिए। आज है हिमांशु का जन्मदिन, मेरे बड़े बेटे का। आज 13 साल का पूरा हो गया, वो 14 साल का हो गया है। हाँ, और सबसे पहले तो हिमांशु के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि मेरा बेटा लंबी उम्र जी और ढेर सारी कामयाबी लाए ज़िंदगी में। और अभी हमने जन्मदिन का क्या क्या बनाया है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे है खिचड़ी और सुबह गर्म कर रही हूँ इसको, रात की हूँ। और यहाँ पे हलवा बनाया है और यहाँ पे खिचड़ी गर्म कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़े से सुहालो, थोड़े से मिट्ठू और साथ में बुलबुले देखिए। तो अभी हमने चढ़ा दिया है हिमांशु का नरसिंहा वगैरह जो भी करवाते हैं वो करा दिया है। और अपने बाबा जी को भी चढ़ा दिया है। और अभी देखते हैं जाते टाइम हम श्री देव महानाग देवता को चढ़ाएंगे। और जो सांप निकला था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से कि वो सांप ऐसे ही है, तो वो श्री देव महानाग देवता का, क्योंकि खुद महानाग देवता जी चल के वहाँ पे मतलब शीश झुकाए हैं। तो तभी हमें पता चला कि वो श्री देव महानाग देवता का सांप है। तो अभी भी दर्शन दे रहा है वो, आज भी था मतलब सुबह देखा किसी ने। तो चलिए अगर होगा तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी हमारा टाइम हो रहा है, अभी हम करेंगे पेट पूजा और फिर जाएंगे हम घास को गौशाला को। और इनको आज स्कूल के लिए लेट हो गई है तो हस्बैंड जी छोड़ के आएंगे। यहाँ पे मंदिर में करेंगे ये, माथा टेकेंगे और प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। यहाँ पे रोनी आ गई, रोनी रोनी रोनी। और अभी यहाँ पे हिमांशु टेकेंगे माथा श्री देव महानाग देवता के मंदिर। या ये देखिए यहाँ पे वीर देवता। गौशाला का काम करके अभी मैं आ गई हूँ रूटे में। और आप लोग देख सकते हैं पीछे रोशनी दीदी वगैरह चले हैं। अभी हमें चढ़ाई चढ़नी है और जाना है टॉप में जहाँ पे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ना ऐसा लगता है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे और इतनी ज़्यादा थकान होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। आप लोग देख सकते हैं यही चढ़ाई चढ़नी है अभी हमने, ये देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं आज शाम। और ये चले हैं देखिए, अभी हमने जाना है ऊपर जहाँ पेड़ के बीच में दिख रहा है खाली खाली सा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यार, थक जाते हैं। वो भी बज चुके हैं 6:30 शाम के और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अभी पहुंची मैं घर और अभी हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे अखिलेश अखिलेश आ गया है, अभी आएगी आएगी नीलम, वंशिका और विक्रांत हनी भी आया है। तो हनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जितना भी हो सकेगा। मेरा तो मूड ही नहीं था क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पर पता नहीं आगे क्या क्या होगा, खुद ही आ जाते हैं। नहीं भी बुलाने को तो फिर बुलाए मेहमान है ये लोग, ये खुद बुला लेते हैं हिमांशु और दिवांशु मेरे बुलाने से पहले। मैं तो चाहती नहीं थी मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, खाना किसने बुलाना। तो अभी सोचा कि खिचड़ी खिलाते हैं इनको, डोर डांस सिंपल सा। इस बार जो फर्स्ट टाइम हमने थी बर्थडे पर केक कटिंग होगी और बस यही होगी फर्स्ट बार, उसके बाद में करेंगे। और सरप्राइज है मतलब मुझे खुद नहीं था पता, और हम लोग तो है ही नहीं पता चुपके से जो है फ्रिज में रखी है हस्बैंड जी ने, तो मुझे खुद नहीं था पता। हस्बैंड जी ने मतलब नहीं बोला था कि केक लाया, तो चलिए सरप्राइज है, बताते हैं हिमांशु को कैसा लगेगा। अभी करेंगे केक कटिंग और अभी हिमांशु को बुलाएंगे, इसको पता नहीं था मतलब पता भी नहीं अभी भी मतलब कि हमने केक लाया है। तो करते हैं रुको, अभी केक की तैयारी हो गई। ये देखिए यहाँ पे हिमांशु का बर्थडे केक,
थैंक यू सरप्राइज हिमांशु बारा सरप्राइज हैप्पी बर्थडे मोमबत्तियां लगाओ लगा बेटे और यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट गेस्ट आए हैं गेस्ट बड़े बड़े चलिए करते हैं अभी केक कटिंग रुक जाते हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे दिया हिमांशु हैप्पी बर्थडे टू यू जा अपने पापा से खिला ना पापा हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ा मैं जान तुझे देखूं खिला दे बेटा अपने खिला दे बेटा बस बस गो आनी बेटी हेलो बस 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 मुंह के काटे खाई दे ये चिकन गंदा कर रहा कपड़ा कट बेटा छोटा छोटा कट छोटा छोटा काटो फिर कोली के दे खा दे गोलू खाई दे खाई दे बेटी अपना मुंह गया बस बस ध्यान दे मत बेटे बेटे थोड़ा थोड़ा पैसु थोड़ थोड़ा हो दिवांशु क्या बल गला रहे हो पता नहीं हो गया कटिंग अभी इनको बांटेंगे और फिर करेंगे हम डिनर का एंजॉय एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे हम लोगों ने देखिए कैसे पड़े जुआड़े केक खाने के अखिलेश का मुंह कैसे खराब कर दिया है बुरी तरह से यहाँ पे देखिए अभी ये खा रहे हैं चॉकलेट कैंडी